शाहरुख खान के बेटे आर्यन से पूछताछ, दिल्ली की तीन लड़कियों समेत 13 हिरासत में। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान के बेटे आर्यन को अभी तक एनसीबी ने गिरफ्तार नहीं किया है, हालांकि उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुंबई से गोवा जा रहे जहाज में चल रही रेव पार्टी में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे का नाम भी सामने आया है। खबर है एनसीबी की छापेमारी के दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन भी हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। इनमें 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें दिल्ली की 3 महिलाएं भी शामिल हैं। एनसीबी की छापेमारी के दौरान जहाज से कोकीन के अलावा अन्य 3 तरह के ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान शाहरुख खान के बेटे आर्यन का कहना है कि उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए किसी तरह का भुगतान नहीं किया था, उन्हें गेस्ट के तौर पर पार्टी में बुलाया गया। आर्यन का मोबाइल खंगाल रही एनसीबी। जी हां, सूत्रों के मुताबिक आर्यन ने दावा किया है कि पार्टी में उनके नाम पर कई लोगों को बुलाया गया था। पार्टी में क्या होने वाला था इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। हालांकि एनसीबी के अधिकारियों ने शाहरुख के बेटे आर्यन का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उनके चैट्स खंगाले जा रहे हैं, जिससे रेव पार्टी में आर्यन की भूमिका साफ हो सके। 600 हाई प्रोफाइल लोग कर रहे थे पार्टी। जहां बताया जा रहा है कि एनसीबी ने जब जहाज पर छापेमारी की तब उस पर करीब 600 लोग हाई प्रोफाइल थे। सभी लोग पार्टी में शामिल होने के लिए जहाज में सवार थे। पार्टी में शामिल होने के लिए टिकट की कीमत 80,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक की थी। दिल्ली की रहने वाली हैं तीनों महिलाएं। एनसीबी की छापेमारी में रेव पार्टी से हिरासत में ली गई तीनों महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक तीनों महिलाओं को रविवार को मुंबई स्थित एनसीबी ऑफिस लाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या आप भी परेशान हैं अपने बिजनेस को लेके और ट्रेडिशनल विज्ञापन से? तो आज ही कॉल करें सितारगंज टीवी को और बनाए डिजिटल प्रोफेशनल वॉइस ओवर विज्ञापन और छा जाए अपने क्षेत्र में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें दिए गए नंबरों पर।